नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन अमावस्या तिथि होती है। फाल्गुन माह में पड़ने वाली अमावस्या को फाल्गुन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन स्नान दान करने से पितृदोष काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों की कृपा से परिवार में खुशहाली आती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में फाल्गुन अमावस्या कब है, दिन व दिनांक क्या रहेंगी, अमावस्या की तिथि क्या रहेगी, पूजा की विधि क्या है और स्नान दान का महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी अमावस्या एवं पूर्णिमा तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फाल्गुन अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो सके तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ दे और सूर्य मंत्रों का जाप करें। फाल्गुन अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, चंदन या केसर अर्पित करें। इसके पश्चात घी या सरसों के तेल में तिल मिलाकर दीपक जलाएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं। फाल्गुन अमावस्या के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को गुड़ का दान करना फलदायी माना गया है। साल 2024 में फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च 2024 दिन रविवार को है। फाल्गुन कृष्ण अमावस्या तिथि का आरंभ होगा 9 मार्च की शाम 6:17 पर, समाप्ति होगी 10 मार्च की दोपहर 2:29 पर। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।